नमस्ते। चलिए आज बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं और क्या लक्षण मिलेंगे हमें। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर की खून की नली, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, हिंदी में हम धमनी कहते हैं, जब इसमें रक्त का रक्त बह रहा होता है, तब यह एक तरीके का फोर्स प्रेशर या दबाव बनाता है। किस पर? इन धमनी की वॉल्स पर, दीवालों पर। यही प्रेशर जो ये धमनी की वॉल्स में जो बह रहा खून बना रहा है, इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मशीन के द्वारा, जिसे हम बीपी कहते हैं या फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? देखिए, हमारे शरीर में दो तरीके का ब्लड प्रेशर होता है। एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, SBP नाम से आप देखते हैं, इसे हम ऊपरी ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो कि नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। अंतर क्या है? जब हमारा दिल इकट्ठा होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दबाव बनाता है, तो जो ब्लड प्रेशर बना रहा होता है धमनी की दीवालों पर, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा दिल रिलैक्स होता है, एकदम आराम से बैठा हुआ होता है, तो तब जो हल्का हल्का खून बह रहा होता है, वो जो प्रेशर क्रिएट करता है, उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल इसकी जो रेंज है, जो नॉर्मल वैल्यू है, वो 120/80 है। ऊपर का ब्लड प्रेशर आपका 120 के आसपास होना चाहिए और नीचे का 80 होना चाहिए। अब बीपी बढ़ जाए तो इस बीमारी को हाइपरटेंशन कहते हैं, और बीपी कम हो जाए तो इस बीमारी को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे होते हैं जो इसकी श्रेणी में नहीं आते, उनमें बीपी इतना नहीं बढ़ा होता कि उनको हम हाइपरटेंशन कहें। तो उनका बीपी कितना होता है जानते हैं? जिस व्यक्ति विशेष का बीपी 120 से 129 ऊपर का, यानी कि सिस्टोलिक, और नीचे का लगभग 80 हो डायस्टोलिक, उसे हम कहते हैं प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। इसका मतलब है, या तो ये व्यक्ति आज के दिन बहुत ज्यादा टेंशन में है या बहुत घबराहट है, तो एकदम से इसका थोड़ा बहुत बीपी बढ़ गया है। परंतु अगर लगातार आपका बीपी इस रेंज में आ रहा है, तो आगे जाकर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। फिर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी एक संस्था है जिसने बीपी कितना होना चाहिए, कब इसे हाइपरटेंशन कहेंगे, इसकी एक पूरी लिस्ट जारी की है, मैं यहाँ लगा दूंगी। तो हाइपरटेंशन में भी दो तरीके की स्टेज होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। अगर आपका बीपी 130 से 139 है, सिस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक लगभग 80 से 89 है, तो आप स्टेज 1 में आते हैं। स्टेज 2 में 140 से 149, यानी कि मोर देन 140 ऊपर का बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे का बीपी आपका मोर देन 90 होगा। एक और कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसमें आपका बीपी इतना बढ़ जाता है कि आपके शरीर के कई सारे अंग एक साथ फेल हो सकते हैं, इसमें बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात करें ऊपर के बीपी की, तो ये 180 से भी ज्यादा हो सकता है, और नीचे की बात करें तो 120 से ऊपर हो सकता है। 180/120 से जब आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। एक बार हम छोटे से में देख लेते हैं कि अगर कोई प्री हाइपरटेंसिव है, मतलब उसमें हो सकता है, तो उसका बीपी 120 से 129/80 हो सकता है। अगर स्टेज 1 में है तो 130 से 139, नीचे का बीपी 90 से 99 हो सकता है, और स्टेज 2 में मोर देन 140 और मोर देन 100 बीपी हो सकता है। अब हमें लक्षण क्या मिलेंगे हाई बीपी के? आपका सर दर्द हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको चलने फिरने में थकान महसूस होगी, आपको एकदम से पसीना आने लगेगा, आपको छाती के बीपी जब बढ़ता है, तो हमें यहाँ पर एक बोन होती है स्टर्नम, उसके आसपास पेन होता है। कई बार एसिडिटी, जो जी मचलाना होता है, उसमें भी हमें यहीं पर दर्द होता है। तो मरीज आम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीपी बढ़ रहा है या दिल का कुछ दिक्कत हो रही है कि एसिडिटी हो रही है, तो इसमें हमें थोड़े बहुत सेम ही लक्षण मिलते हैं। कई बार आपका बीपी कम हो जाता है, तो इसमें बीपी कितना होता है? जब आपका बीपी ऊपर का बीपी 90 और नीचे का बीपी 60 से कम है, तो आपके में हाइपोटेंशन की बीमारी, इसका मतलब आपका बीपी कम हो गया है। इसके साथ ही बताना चाहूंगी कि जब आपकी उम्र बढ़ती है, जो 50-60 साल के लोग होते हैं, उनमें नॉर्मल भी आपका बीपी 140/90 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको बीपी की बीमारी है, उम्र के साथ साथ आपकी धमनियां सिकुड़ने से लगती हैं, तो उसमें दीवालों पर जो वो बह रहा होता है खून, वो उस धमनी की दीवालों पे तेज से बहने लगता है, प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि जो धमनियां हैं वो ही सिकुड़ने लगती हैं। तो जरूरी नहीं कि आप हाइपरटेंसिव हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी ही कुछ अच्छी जानकारी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।